हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। अगला टॉपिक हमारा स्वीट इक्विटी शेयर्स का है, सेक्शन 54। देखो 53 सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स जो है दे कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन वहां पे भी कहा था सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन में जो था एक तो ईसोप और दूसरा स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि देखो अगर आप अपने इम्प्लॉय को या डायरेक्टर्स को आप शेयर्स इश्यू करते हो एट ए डिस्काउंट, मतलब डायरेक्टर्स इंप्लॉय जो है उनको हम शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। सर क्यों कर सकते हैं मेरे बच्चे, वो कंपनी के एक तरीके से बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, उनको हमें बेनिफिट देना होता है, उनको हमें थोड़ा मोटिवेट करना होता है, तो फॉर देम शेयर्स कैन बी इश्यूड डिस्काउंट। दूसरा कह रहा है फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, या तो आप उनको दे रहे हो शेयर्स डिस्काउंट पे, या फिर नॉन मॉनेटरी का मतलब कि पैसा नहीं किसी और चीज के बदले में, जैसे कि उनसे हमने नो हाउ लिया, कोई टेक्नोलॉजी लिया, मेकिंग अवेलेबल राइट इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन। अगर उनके आने से हमारी कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, या फिर हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, या मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, इन सब के चलते अगर आप उनको शेयर्स देते हो तो आप यहाँ पे स्वीट इक्विटी शेयर्स उनको आप दे सकते हो। सर फिर एक बात बताओ सर, ईसोप में और इसमें क्या फर्क है। मेरे बच्चे ईसोप जो होता है ना, ध्यान देखना, वहां पे क्या था, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस था, एक प्री डिटरमाइंड पीरियड था कि आज हमने कहा कि 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल मेरे पास काम कर लो, हम इतने पे शेयर्स आपको दे देंगे, वो इतना आपका जीरो भी हो सकता है, 5 10 कुछ भी हो सकता है। पर बच्चे यहां पे किसी वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे हमने कहा कि भैया आप टेक्नोलॉजी लेकर आओ, नो हाउ लेकर आओ, हम आपको शेयर्स इतने में या फ्री में देने को तैयार है। तो पर बच्चे स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होता है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईसोप। और हाँ ये ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं कि वो शेयर्स जो कंपनी ने डायरेक्टर्स या इम्प्लॉय को दिया एट ए डिस्काउंट प्राइस और फॉर मॉनेटरी आपका नॉन मॉनेटरी कंसेशन, दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग देम नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैल्यू एडिशन, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप किसी को, आप किसी से नो हाउ ले रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले रहे हो, किसी का वैल्यू एडिशन आप चाहते हो और उसके बदले में डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर शेयर्स देना चाहते हो, या फिर नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे के बदले में नहीं किसी और चीज, और चीज मतलब क्या, उनका नो हाउ, उनका वैल्यू एडिशन, उनका ब्रांड, अगर इसको अपने साथ इकट्ठा करना चाहते हो और फिर आप शेयर्स इश्यू करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल का मतलब होता है 75% जो शेयर होल्डर्स है वो आपके साथ एग्री करें, पहली बात। दूसरी बात यहां पे कहा गया कि कंपनी एटलीस्ट 1 साल तक बिजनेस चला के पहले से रही हो, मतलब पहले से कंपनी जो है वो 1 साल से लगभग काम कर रही है। अगर 1 साल से थोड़ा सा भी कम है तो स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट कंपनी जो है 1 साल तक काम किए हुए रहे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन आपका। फिर हमने क्या देखा जी, नॉट लेस देन 1 ईयर हैज बीन इलेप्स्ड सिंस द डेट ऑन विच कंपनी हैज कमेंस ऑपरेशन। अगर जब आप स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो ये जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा इसमें आपको बताना पड़ेगा कितने स्वीट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या है, किस रेट पे आप दे रहे हो, इससे क्या कितना पेमेंट, अगर कुछ आप ले रहे हो तो कितना पेमेंट ले रहे हो, ये सारी बातें आपको वहां पे बतानी पड़ेंगी। और हाँ, अगर आपके इक्विटी शेयर्स जो है जो स्वीट इक्विटी के रूप में दिए जा रहे हैं, अगर ये लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मेरे बच्चे सेबी गाइडलाइंस जो उनको लेकर होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर सेबी गाइडलाइंस क्या है वो हमारे अकाउंट्स का टॉपिक नहीं है, आप लॉ में जब पढ़ना तो लॉ वाले सर बताएंगे, सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो उस केस में जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब रहेंगे उस टाइम पे उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्वीट इक्विटी शेयर्स, दोबारा सुन लो, जब शेयर्स को हम डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं अपने इम्प्लॉय को, या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे कह दो या फिर फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब हमने कोई भी अमाउंट आपको आपसे नहीं लेना, हमें आप नो हाउ अपना दे दो, हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, हमें अपना वैल्यू एडिशन दे दो, तो उस केस में जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं दिस इज कॉल्ड स्वीट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54 के मुताबिक है मेरे बच्चे। दिस इज एक्सेप्शन जो 53 में कहा गया था डिस्काउंट पे इश्यू करने का, मतलब यहां पे शेयर्स इश्यू कैन भी कर सकते डिस्काउंट पे। ईसोप में और इसमें कोई फर्क पूछे तो बता देना, ईसोप में पहले से डिसाइडेड है प्री डिटरमाइंड प्राइस,
प्री डिटरमाइंड पीरियड की इतने समय तक काम करो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ कुछ भी नहीं है। आज कोई इम्प्लॉय आ रहा है या किसी इम्प्लॉय को जोड़ना है या कोई इम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, लो जी हम आपको 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में देते हैं। आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, लो जी टेक्नोलॉजी के बदले में हमने आपको शेयर फ्री में दे दिया। ये यहाँ पे सूट इक्विटी शेयर में होता है, ठीक है ना। और हमने क्या क्या देखा, स्पेशल रिजोल्यूशन मेरे बच्चे, आप उस रिजोल्यूशन में कितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो स्वीट के रूप में, एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, कितना पैसा आप चार्ज कर रहे हो, क्या उस समय का मार्केट प्राइस है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। कंपनी एटलीस्ट एक साल बिजनेस कमेंस कर चुकी है, एक साल तक काम मार्केट में आपका एग्जिस्ट कर चुकी है, तभी आपको अलाउड है। और अगर कंपनी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपका एज रूल में भी प्रिस्क्राइब, जो रूल समय लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया रहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे बच्चे हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है, मतलब आपसे बोलेगा कि जरा बताओ इसकी एंट्री क्या पास की जाएगी। तो मैंने यहां तक लिख लिया है, आप भी लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे, फिर आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आओ ना मैं यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको दिखाऊं, ट्रीटमेंट ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, मतलब एंट्री जो पास किया जाएगा वो कैसे पास यहां पे किया जाएगा, इनको लेकर कुछ भी नहीं है। दो चीजें होंगी बच्चे, यहां देखो, या तो आपने डिस्काउंट पे किया होगा जी, या फिर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन मॉनेटरी मतलब इनके बदले में कर दिया होगा, कोई अमाउंट नहीं लिया होगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो, यानी कि इफ इशूड एट डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, जितना पैसा आपने पब्लिक से लिया मतलब अपने इंप्लॉय से डायरेक्टर से लिया होगा उन शेयर्स के बदले में, वो आपका बैंक में चला जाएगा। जो आपने डिस्काउंट दे दिया मेरे बच्चे, तो डिस्काउंट ऑन स्वीट शेयर्स डेबिट करेंगे आप यहां पे, एंड टू आप बढ़ा देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब नॉर्मल एंट्री है कुछ भी नहीं। जो डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस होता है कंपनी का बढ़ना डेबिट, मान लो आपने क्या किया, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम्ड दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, एज्यूम्ड है कि अगर 10,000 शेयर्स आपने 10 रुपए वाले 6 रुपीज के हिसाब से अगर मान लो आपने दिया है उस इंप्लॉय को आपने खुश होके, तो बैंक में आपके पास कितने आ गए 60,000। लेकिन कैपिटल के आगे तो हमेशा फेस वैल्यू इंटू 10 आपका, ये 1,00,000 रुपीज का अमाउंट हो गया, और ये डिस्काउंट कितना दे दिया, तो 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 40 रुपीज का आपका डिस्काउंट हो गया। दिस इज एंट्री विच यू पास फॉर द इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कुछ पैसा छोड़ा, कुछ पैसा हमने आपसे चार्ज किया। पर बच्चे अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि आपने नॉन मॉनेटरी, मैं क्वेश्चन निकाल लूं आपके लिए रखा था मैंने, हाँ, अगर कहता है कि मान लो नॉन मॉनेटरी तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो कि हमने क्या किया जी, टेक्निकल नो हाउ लिया, नंबर टू मान लो कहता है 1,000 स्वीट इक्विटी शेयर्स, FWE मत कर देना, मिठाई नहीं है, स्वीट इक्विटी शेयर से, स्वीट इक्विटी शेयर्स 1,000 स्वीट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड फॉर परचेजिंग या एक्वायरिंग टेक्निकल नो हाउ। अगर हमने टेक्निकल नो हाउ को एक्वायर करने के लिए मान लो हमने शेयर इश्यू किया तो क्या एंट्री होगा, कुछ भी नहीं। आप मुझे बताओ कौन से सेट्स आपके पास आ गया, सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपको, तो आ गया टेक्निकल नो हाउ अकाउंट डेबिट कीजिए, जो भी एसेट्स लिया आपने, आपने पेटेंट्स लिया तो पेटेंट्स डेबिट करना, कॉपीराइट तो कॉपीराइट डेबिट करना, जो भी एसेट्स आपने लिया होगा हम उसको क्या करेंगे, यहां पर डेबिट करेंगे। एंड टू आप कह देना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां तो हमने कोई चार्ज ही नहीं लिया, हमने टेक्निकल नो हाउ के बदले में हमने शेयर्स दे दिए, तो आपका शेयर्स कितने का गया, 1,000 शेयर्स इनटू आपका 10, हमेशा फेस वैल्यू 10,000, तो हमारा टेक्निकल नो हाउ भी 10,000 पे रिकॉर्ड होगा, मतलब जो हमने एसेट्स एक्वायर किया है वो आपका 10,000 का है। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको बता दूं यहां भी शायद हो सकता है कि मैं पहले ना बताया, बच्चे प्राइवेट कंपनीज जो है
उनमें अब मिनिमम कैपिटल जो पहले 1 लाख का लिमिट हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है कितने के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन पब्लिक कंपनी जो है उन पे भी कोई लिमिट नहीं है। वो जो पहले 5 लाख का होता था दैट हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड नाउ। नाउ देयर इज नो एनी प्रिस्क्राइब लिमिट, कुछ कितने भी पैसे के साथ पब्लिक कंपनी कैन बी स्टार्टेड, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलो मैंने ये भी थ्योरी खत्म किया, कुछ और अगर होगा आप में तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे खत्म करते बच्चे। आप प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको।